बचपन में भी रघुवंश महाकाव्यम में मुझे वर्णन होने का संज्ञान था। पिताजी मेरे बताया करते थे कि एक कुशभवनपुर था और कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम में इसके कुशभवनपुर होने, कुश नगरी होने का वर्णन किया है। कनिंघम ने भी इसको कुशभवनपुर के रूप में वर्णित किया है और ये बताया गया कि ये सुल्तानपुर नाम जो है वह हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जबरन थोपा गया नाम है। तो हम इस सुल्तानपुर जो कि एक थोपा गया नाम है उसे हटा करके इसके मूल और वास्तविक नाम को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैंने दो स्तर पर प्रयास किया। सन 18 में नियम 103 के तहत मैंने विधानसभा के पटल पर इस चीज़ की मांग की कि इसका पुराना नाम कुशभवनपुर वापस किया जाए और दोबारा अभी 10-15 दिन पहले मैंने सभी विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित, सभी विधायकों से मेरा मतलब है भाजपा के सभी विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को अर्पित किया और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस पर हम गंभीरता से इसकी चिंता करेंगे।